जय हिंद विद्यार्थीओ, आपने अभ्यास करी रहा छे ધોરણ 10 મેથ્સ માં ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ। તો આ જે ત્રિકોણ ચેપ્ટર છે તેમાં આપણે છેલ્લા સ્વાધ્યાય પર છીએ અને છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં પણ એન્ડિંગ તરફ જ, એટલે કે આજના વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.5 માં પ્રશ્ન 14 નો અભ્યાસ કરીશું। તો વિદ્યાર્થીઓ, લાસ્ટ વિડિયોની એકવાર વાત કરીએ તો લાસ્ટ વિડિયોમાં આપણે પ્રશ્ન 13 કર્યો હતો। પ્રશ્ન 13 ખૂબ જ સહેલો હતો, આવડી જાય તેવો છે જ। तो विद्यार्थियों, प्रश्न 13 नो दाखलो तमारो जोवानो बाकी होय तो तेने तमे जोई लेजो। तमने अहीं स्क्रीन पर एक आई बटन पर देखाय छे, ते आई बटन पर क्लिक करीने तमे ते आगळना भागनो वीडियो जोई शको छो। हवे विद्यार्थियों, आपणे शरूआत करी दईए प्रश्न 14 ने शीखवानी। विद्यार्थियों, सौथी पहेली वस्तु के तमारे रकमने समजवानी छे। रकमने ध्यानथी समजशो तो आरामथी दाखलो आवडी जशे। विद्यार्थियों, रकमने समझो, आकृतिने समझो अने आकृति परथी आखो दाखलो थशे। तो चलो विद्यार्थियों शरूआत करीए। तो एकदम बराबर ध्यान थी समझिए कि ए माथी त्रिकोण ए बी सी नी बाजू बी सी पर दौरेलो लंब बी सी ने डी में एवी रीते छेदे छे के डी बी बराबर 3 CD। ओके विद्यार्थियों, आ एक वाक्य वाँचू मैं। तो त्रिकोण नी वात छे, त्रिकोण ए बी सी। हवे विद्यार्थियों, तमने रकम में कसे कोईपण जगह एवं नहीं कीधु कि आ त्रिकोण ए बी सी एक काटकोण त्रिकोण है, एवं कोई जगह कीधु नहीं। तमे रकम वाँची तो भाई त्रिकोण ए बी सी है, बाजू बी सी है, बस आटली वस्तु कीधी। हमें बिंदु ए माथी बाजू बी सी पर एक लंब दौरेलो है और ये लंब ए बाजू बी सी ने डी बिंदु में छेदे छे। बराबर, आटली वस्तु ए लोगए कीधी और आटली वस्तु में ए लोगए कसेपन एवो उल्लेख नहीं कर्यो कि त्रिकोण ए बी सी एक काटकोण त्रिकोण है। एक नजरे जोईए आपणे आकृति ने, आ आकृति ए लोगए ज आपने आपी है, टेक्स्टबुक वाला ज आ आकृति आपने आपी है। तो एक नजरे जोईए तो खूणो ए काटखूणो होय तेवुं लागे आपने आकृति जोईने, परंतु विद्यार्थी ए लोगए कीधुं ज नथी कि आ त्रिकोण ए बी सी काटकोण है, एवुं नथी कीधुं। एटला माटे आपणे काटकोण त्रिकोण ने लागू पड़त कोईपण परिणाम त्रिकोण ए बी सी माटे न वपराय, त्रिकोण ए बी सी माटे नहीं। परंतु विद्यार्थी, आज ए डी है ने, ए डी ते बी सी पर लंब है अने लंब एटले अहींया तो काटखूणो बने छे, एटले आ जे बे त्रिकोण छे ते काटकोण छे अने आ बे त्रिकोण काटकोण होवाथी काटकोण त्रिकोण ने लागू पड़ता कोईपण परिणाम तमे आ बे त्रिकोण में वापरी शको छो। हवे विद्यार्थियों, वेद जे दोर्यो ने, वेद ए डी, तो ये वेद ए डी एवी रीते गोठवायेलो छे के जेथी डी बी नुं माप ए सी डी ना मापनुं 3 ગણું होय। जो विद्यार्थियों, डी बी एटले आटलुं माप, तो आज डी बी नुं माप छे ते 3 ગણું छे। कोनो 3 ગણું? तो सी डी नुं। तो तमे 3 CD ने, पहली सी डी, पछी एक बीजी सी डी, पछी त्रीजी सी डी, 3 CD ने भेगू करो। आ एक सी डी आटली होय तो एवी 1 2 3 3 CD ने भेगी करो तो ये डी बी जेटलुं थाय। बराबर, एटले डी बी नुं माप ए 3 CD जेटलुं छे, CD नुं 3 ગણું छे। ए रीते आ आकृति में गोठवायेलुं छे। साबित करो कि 2AB² आज ए बी स्क्वेर है, ए बी स्क्वेर तेना डबल बराबर 2AC² आज AC² है तेना डबल वत्ता BC² तमारे एवं साबित करवानुं छे कि आज ए बी स्क्वेर है तेनुं डबल वत्ता एना बराबर आज ए बी स्क्वेर है तेनुं बमणुं कोना जेटलुं थाय, तो AC² बमणा अने तेमां BC² उमेरी देव तेना जेटलुं थाय, एवुं आपणे साबित करवानुं छे। तो चलो साबित करी लईए, तैयार? ओके विद्यार्थियों, थोड़ी आकृति ने वर्णन कर दिए। त्रिकोण ए बी सी में ए डी ए वेद है, आ वस्तु तमने रकम में कीधी कि आज त्रिकोण ए बी सी है तेमा ए डी वेद है। ओके, हवे विद्यार्थियों बीजी एक वस्तु पण तमने रकम में कीधी है कि डी बी बराबर 3 CD अने आपणे परिणाम एक आपीए। विद्यार्थियों, डी बी आज डी बी है, डी बी तेनुं माप ए सी डीनुं 3 ગણું है। विद्यार्थियों, तमे आ बे जे त्रिकोण छे तेमां तमने खबर पड़ी ज गई छे के सर पायथागोरसनुं प्रमेय ज वापरवाना छे। बराबर ने, आ बंने त्रिकोणमां केम के आ बंने काटकोण छे। हवे विद्यार्थियों, आ जे बीसी स्क्वेर छे, बीसी स्क्वेर समजो, आ त्रिकोणनी जे बाजू छे तेमां बीसी आखी नथी आवती। आ जे त्रिकोण बीजो काटकोण त्रिकोण देखाय, त्रिकोण ए डी बी, तेमां पण आखी बाजू बीसी नथी आवती, बीसीना बे टुकड़ा आवी जाय। बराबर, अने हवे बीजी एक वस्तु कि आज त्रिकोण ए बी सी है तो काटकोण त्रिकोण नहीं, एटले त्रिकोण ए बी सी में हूँ पायथागोरस ने नहीं वापरी सकूँ। जो त्रिकोण ए बी सी काटकोण होते तो बी सी स्क्वेर की एंट्री थाते, पण क्यांथी एंट्री करिए बी सी स्क्वेर ने, केम के त्रिकोण ए बी सी आपणो मूळ त्रिकोण ए तो काटकोण ठीक है, एवं तो कसे कीधुं नहीं। तो विद्यार्थियों करिए शू? विद्यार्थी अपनी पास एक ज रस्तो है कि आज परिणाम है तो परिणाम द्वारा आप बी सी साथ कनेक्ट थईए।
આ પરિણામની મદદથી આપણે બીસી સાથે કનેક્ટ થવું પડશે। આ પરિણામ કોને કોને કનેક્ટ કરે છે તો સીડીને અને બીડીને આ બંનેને આ પરિણામ કનેક્ટ કરે છે। તો આપણે બીસીને કનેક્ટ કરવું હોય તો શું કરીએ તો કંઈ વાંધો નહીં। તો હવે આજે બીસી છે તેના બરાબર શું લખી શકાય બીસી બરાબર તો આજે બીસી છે તે આ બંનેનો સરવાળો છે। સાચી વાત ને આખું જે બીસી છે તે આ બંનેના સરવાળા જેટલું થાય તો લખી દેવું તો બીસી બરાબર સીડી વત્તા બીડી લખાય વિદ્યાર્થીઓ। આપણે બીડીની જગ્યાએ ડીબી જ લખીએ બીડીની જગ્યાએ શું લખી નાખીએ ડીબી જ રાખીએ કેમ તો આ બીડીનું કિંમત મુકાય ને એટલે જોવા જાય તો બીડી ને ડીબી એક જ છે પરંતુ ઉપર એકવાર તમને રકમમાં ડીબી શબ્દ વાપર્યો છે તો આપણે બધી જગ્યાએ ડીબી ડીબી લખીએ તો વધારે સારું। માટે બીસી બરાબર સીડી વત્તા આ જે બીડી ડીબી છે ડીબી તેની કિંમત મૂકીએ થ્રી સીડી। હું ડીબીની કિંમત થ્રી સીડી અહીં મૂકું છું ઓકે કાઉન્સમાં લખી નાખું એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે પરિણામ એક પરથી તમે આ કિંમત મૂકી। માટે બીસી બરાબર શું થશે વિદ્યાર્થીઓ સીડી વત્તા થ્રી સીડી ત્રણ સીડીમાં હજી એક સીડી ઉમેરી દેવું તો ચાર સીડી થઈ જાય એટલે કે ફોર સીડી બીસી બરાબર ફોર સીડી। આ પરિણામ પણ આપણને આગળ જતાં મદદ કરશે। આવા પરિણામોને તમે બોક્સ દ્વારા હાઈલાઇટ પણ આપી શકો છો। હવે વિદ્યાર્થીઓ આ બીસી એ સીડી સાથે કનેક્ટ થઈ ગયું છે એટલે કે આપણે બીસી તરફ આપણને બીસી તરફ જવાનો એક રસ્તો મળી ગયો। જ્યાં પણ સીડી આવશે ત્યાં હું સીડીની જગ્યાએ બીસીની એન્ટ્રી કરીશ। એક કામ કરીએ વિદ્યાર્થીઓ આપણે છે ને સીડીને કરતા બનાવી દઈએ સીડીને જોજો સમજો જો આ સીડીને કરતા બનાવવું હોય તો આ ચારને છેદમાં લઈ જવાના એટલે બીસીના છેદમાં ચાર તો આ પરિણામ આપણને કામ લાગશે એવું મારી વિચારધારણા એવું કહે છે બરાબર। ચાલો વિદ્યાર્થીઓ કેમ કે આપણે બીસી તરફ જવું હોય તો સીડીને કરતા બનાવવો જોઈએ ને। હવે આપણે પાયથાગોરસનું પ્રમેય બંને ત્રિકોણમાં એપ્લાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। હવે ત્રિકોણ એ ડી સી ત્રિકોણ એ ડી સી કાટકોણ છે ભાઈ રકમમાં જો એ ડી એ વેજ છે તો ખૂણો ડી એ કાટખૂણો છે આ ત્રિકોણમાં ખૂણો ડી એટલે કે ખૂણો એ ડી સી 90° છે તો આપણે આ ત્રિકોણમાં વાપરી શકીએ છીએ પાયથાગોરસનું પ્રમેય। માટે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે શું કહે છે પાયથાગોરસનું પ્રમેય કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો। વિદ્યાર્થીઓ આ ત્રિકોણને જોજો આને નહીં જોતા અત્યારે આ ત્રિકોણ દેખાય છે તમને આમાં કાટખૂણાની સામે આ એસી એ કર્ણ છે તો એસી સ્ક્વેર બરાબર એડી સ્ક્વેર વત્તા સીડી સ્ક્વેર એસી સ્ક્વેર બરાબર એડી સ્ક્વેર વત્તા સીડી સ્ક્વેર ઓકે વિદ્યાર્થીઓ। હવે વિદ્યાર્થીઓ એક વસ્તુ છે કે એડી સ્ક્વેરની મને જવાબમાં કોઈ જરૂર નથી દેખાય એડી સ્ક્વેર એડી નથી એડી એડી નથી તો મારે એડી સ્ક્વેરને કરવું પણ પડશે જે એડી સ્ક્વેર મને અત્યારે હાલમાં દેખાય છે તે એડી સ્ક્વેરને હું કરીશ કંઈ પણ કરીને। વિદ્યાર્થીઓ કંઈ પણ એટલે બહુ એક સામાન્ય વસ્તુ કરવાની છે કરવાનું એવું છે કે આ બંને ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસ લગાવશે એટલે બંનેમાં એડી આવવાનું છે એડી સ્ક્વેર આવવાનું તો એ આ એડી સ્ક્વેરને બંનેમાં કરતા બનાવી દઈએ અત્યારે આને કરતા બનાવીએ તો એડી સ્ક્વેરને જો હું કરતા બનાવું જોજો આ એડી સ્ક્વેરને કરતા બનાવીએ તો એના બરાબર એસી સ્ક્વેર તો રહેવાનું છે એડી સ્ક્વેર બરાબર એસી સ્ક્વેર પરંતુ પેલો સીડી સ્ક્વેર છે ને તે આ બાજુ આવી જાય બરાબર સીડી સ્ક્વેર ડાબી બાજુ આવી જાય એટલે પ્લસનું થઈ જાય માઇનસ સમજ પડશે વિદ્યાર્થીઓ આને આપણે પરિણામ ત્રણ આપીએ। એના પછી વિદ્યાર્થીઓ આ ત્રિકોણ એને એમાં પણ આ જ પ્રોસેસ થશે ત્રિકોણ એસ એ ડી બી આ જે ત્રિકોણ એ ડી બી છે તેમાં ખૂણો ડી કાટખૂણો છે ખૂણો એ ડી બી બરાબર 90° તો તમે કયું પ્રમેય વાપરી શકશો વિદ્યાર્થીઓ માટે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે શું કહે છે પાયથાગોરસનું પ્રમેય કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો। કર્ણ કયો છે આ ત્રિકોણને જુઓ પેલું નહીં જોતા તો આમાં કર્ણ છે એ બી તો એ બી સ્ક્વેર બરાબર બાકીની બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો તો એ ડી ને બી ડી એ ડી સ્ક્વેર વત્તા બી ડી સ્ક્વેર આને આપણે આપી દઈએ પરિણામ નંબર કયું વિદ્યાર્થીઓ પરિણામ નંબર ચાર। વિદ્યાર્થીઓ આ બીડીની જગ્યાએ ડીબી લખી નાખીએ આપણે ભૂલી જ ગયા કે બધી જગ્યાએ આપણે નક્કી કરેલું કે ડીબી લખીશું। ચલો હવે વિદ્યાર્થીઓ આગળ શું કરીએ તો તમને ખબર જ છે કે એડી સ્ક્વેરને કરતા બનાવ્યું આમાં બી કરતા બનાવેલું તો આમાં પણ બનાવવું પડે ને તો એડી સ્ક્વેરને કરતા બનાવીએ તો એડી સ્ક્વેર બરાબર એ બી સ્ક્વેર તો છે જ કરતા બનાવવાનો અર્થ એવો કે એડી સ્ક્વેરની આજુબાજુ જે હોય તેને કહેવો કે જાઓ નીકળો તો જા ડીબી સ્ક્વેર જવા માંડો બીજા કોઈ પાસે તો વત્તા ડીબી સ્ક્વેર ડાબી બાજુ આવી જાય તો એ થઈ જાય ઓછા ડીબી સ્ક્વેર આને પરિણામ ચાર આપવાનું હતું।
ओके विद्यार्थियों हम आगे बढ़िए परिणाम 3 और 4 का कंपेरिजन करो तो ए डी स्क्वेर निकली जाए जेनी जरूर है तो बधा एक बीजा साथ जोड़ाई जाए परिणाम 3 और 4 ने सरखावता तो तमे जोई सको छो के ए डी स्क्वेर तो बधा में है सरखावानो अर्थ एवो के जे सरखू है निकली जाए जे बीजू है तो एकबीजाने सामन थी जाए तो ए सी स्क्वेर माइनस सी डी स्क्वेर बराबर शू लखाशे बराबर ए बी स्क्वेर माइनस डी बी स्क्वेर ओके विद्यार्थियों हवे तमारो टार्गेट छे के ए बी स्क्वेर नू टू टाइम बराबर टू ए सी स्क्वेर वत्ता बी सी स्क्वेर बराबर चलो तो गोठवीए आपणे तो सी डी जी सी डी ना बराबर बी सी ना छेद में चार मुकाशे आपणाथी डी बी बराबर थ्री सी डी मुकाशे चलो तो मूकीए विद्यार्थी अपने ए सी स्क्वेर और ए बी स्क्वेर आ बने ने छेरवाना नथी ए बी स्क्वेर और ए सी स्क्वेर आ बने पर ऑपरेशन करवानू छे तो विद्यार्थी एक काम करिए आप ए बी स्क्वेर है ए सी स्क्वेर है ए सी स्क्वेर की बाजू में बी सी स्क्वेर देखाव जो तो आ बी डी स्क्वेर ने हूँ आ बाजू लाव छू जो तो हूँ ए बी स्क्वेर की शुरुआत करूँ छू लख एक काम करो जम है तम रखिए ए सी स्क्वेर ओछा डी बी स्क्वेर ने आ बाजू आवा दिए तो वट्टा डी बी स्क्वेर लखाई बराबर विद्यार्थी ए सी स्क्वेर तो ज्या है त्याज हम पेलूँ आ बाजू आयु कौन ओछा डी बी स्क्वेर और आ माइनस सी डी स्क्वेर ज्या है त्याज है तो लखी दीदा ने बचू शू तो बराबर ए बी स्क्वेर आई होप विद्यार्थी तमने समझ पड़े ए सी स्क्वेर जम है तम माइनस सी डी स्क्वेर भी जम है तम तो वच्चे वट्टा डी बी स्क्वेर क्या थी आया तो पेली बाजू थी उचकी आ बाजू लाया बस आटलू करूँ ने जमनी बाजू एकलो पड़ी गयो ए बी स्क्वेर ओके हवे विद्यार्थी समझिए ए सी स्क्वेर वत्ता आ बने में हूँ एक सूत्र वापरू छू विद्यार्थी जुवा जाए तो तब डायरेक्ट आगे बढ़ी सको कि डी बी बराबर थ्री सी डी मूकी दो सी डी बराबर बी सी छेद में चार मूकी दो परंतु एक शॉर्टकट थाई है तो आई होप के तब समझ गया हों के क्यों सूत्र वापरवा ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर एट्ले बे काउंस आ जाए पहला काउंस में ए माइनस बी बीजा काउंस में ए प्लस बी एट के एक बार ओछा एक बार वत्ता तो विद्यार्थी एक बार ओछा एट्ले कि डी बी माइनस सी डी इंटू बीजा काउंस में हमें वत्ता डी बी वत्ता सी डी बराबर ए बी स्क्वेर विद्यार्थी मारो टार्गेट ज एवो है कि मैं आ बने की जरूर नहीं सी डी जरूर के नहीं डी बी जरूर मारे जरूर है बी सी बराबर ए सी स्क्वेर वत्ता डी बी माइनस सी डी हमें आम अपने आम तो कहीं थाय नहीं हमें किंमत मूकवा स्टार्ट करिए तो विद्यार्थी डी बी बराबर थ्री सी डी मुकाई डी बी बराबर हमें आ सी डी की किंमत पर मूकी है तो मुकाई पची मूकीशू केम के जो आनी जगह सी डी ने ज रहा दिए तो आ बने अत्यार सादुरूप थे विद्यार्थी हमें आ वस्तु अपने फायदाकारक निवड़े डी बी वत्ता सी डी जो आकृति ने बराबर जुओ डी बी वत्ता सी डी डी बी और सी डी सरवारो शू थाय डी बी सी डी सरवारो आ बने सरवारो अपने आपसे आखो बी सी जेनी आपने जरूर है बराबर नेना बराबर ए बी स्क्वेर हवे विद्यार्थी आज रीते सादुरूप कंटीन्यू राखी तो थ्री सी डी माइनस सी डी त्रोन सी डी में एक सी डी ने ले लीधी बे सी डी बची एट के टू सी डी इंटू बी सी बराबर ए बी स्क्वेर ओके माटे ए सी स्क्वेर वत्ता टू टाइम हवे आज सी डी है हवे एनी किंमत मूकी दी है आपणे अहींया परिणाम एक पर थे एक वार लखी देव जो केम के डी बी की किंमत थ्री सी डी परिणाम एक में थी हवे आज सी डी है तेनी किंमत है बी सी बाय फोर तो आपणे सी डी की किंमत मूकीए बी सी बाय फोर इंटू बी सी बराबर ए बी स्क्वेर जो विद्यार्थी बी सी इंटू बी सी स्क्वेर ने एंट्री भरवानी क्या परिणाम ने लीधा वस्तु आई परिणाम बे पर थी विद्यार्थी अँ गुणाकार में छात्र नहीं पड़ता भाग चला सकें बे दू चार माटे ए सी स्क्वेर वत्ता बी सी इंटू बी सी स्क्वेर ना छेद में बे बराबर ए बी स्क्वेर हाँ विद्यार्थी तब जवाब एकदम नजीक पहुँची गया चलो विचारो शूँ करिए जुओ छेद में बे नहीं जोईता परंतु ए सी स्क्वेर बाजू में बे जोईए छे ए बी स्क्वेर बाजू में बे जुए छेदना बे ने दूर करवा हो तो बे वरे आखा ने गुणी करो बराबर एवं कहवा विद्यार्थियों के लोहा लोहे को काटता है जहर जहर को काटता है तू ही तू को काटता है तू ही तू एटले मैं तमने नहीं कहते तो आ बगरा ने कहूँ छू कि आ बेज पोते बे ने कापी नाखसे केवी रीते तो बे वडे गुणी करो आखा परिणाम ने
बराबर। जो हूँ एसी स्क्वेर ने बे वे गुणू तो टू टाइम एसी स्क्वेर। हम विद्यार्थी बीसी स्क्वेर छेद में बेने रफली तमने बताई दू, बीसी स्क्वेर छेद में बे है अने हूँ बे वे गुणू तो आ बे बे कैंसल थी जाए, जो है बात कर लेने काटता है तो बचू बीसी स्क्वेर ने ना बराबर ए बी स्क्वेर ने बे वे गुणव पड़े। जो आ गुणे तो बधाने ज गुणवा पे आने गुणे पहला ने नहीं गुणे एट खोटू लगी जाए लोग ने एट्ला साबित थे गो। फरक एट्लो है कि तमने पहला टू ए बी स्क्वेर देखाय पची आ तो चलो कर नाखो एवं तो पहला आप लखी नाखी टू ए बी स्क्वेर ने बराबर लखी नाखी टू ए सी स्क्वेर वत्ता बीसी स्क्वेर। तो जे परिणाम तमने साबित करवानो देखाय छे ते आवी गयुं छे। विद्यार्थी दाखलो एम तो सहेलो ज हतो, थोड़ूक मगज शक्ति वधारे मांगी लीधी आ दाखलाए। ओके स्टार्टिंग तो समझ पड़ी जाए एवी छे, आ बे वस्तु में पण तमे ध्यान आप्युं होय तो समझ पड़ी जाए। मेन वस्तु आ छे कि तमे आ सादुरूप ने बराबर समझो। आज सादुरूप छे तेने तमे बराबर समझशो तो आ दाखलो तमने आवडी गयो, परीक्षामां पूछाशे तो तमारथी थशे आ दाखलो बराबर। तो विद्यार्थीओ एवं लगे तो रिवाइंड करीने एक बार पाछो जोजो, न कोई जगह न समझ पड़ी हो तो तमे पाछो एक के बे वार, अमुक वार एवं थाय कि एक वार समझावाथी समझ न पड़े तो विद्यार्थी शिक्षक ने कहे कि सर पाछो एक वार समझाओ। तो अहीं पाछो एक वार समझावानो अर्थ एवो कि तमारे पाछळ जवुं पड़े, एटले कि विडियो में थोड़ूक पाछळ खेंचाई लेवो एटले सर तमने पाछू समझाई देशे बराबर। तो विद्यार्थी नोटबुक बनावी हो तो सारा अक्षर आ दाखलो उतारजो अने रफ नोट में मस्त एक एक के बे वार प्रेक्टिस् करी लेजो, आवडी जशे। तमे आनो स्क्रीनशॉट पण लई शको छो। हवे विद्यार्थी आपणे नेक्स्ट विडियो में आगळ वधीशुं। हवे आ चेप्टर में आज छेल्लुं स्वाध्याय छे आपणुं स्वाध्याय 6.5, ते स्वाध्याय 6.5 में मात्र बे प्रश्न करवाना बाकी छे अने ते बन्ने प्रश्न में एक आवज साबिती वालो दाखलो अने एक एमसीक्यू छे। एम जोवा जाए तो त्रण प्रश्न छे, परंतु ए त्रणमांथी एक एक जे प्रश्न छे एटले के आना पछीनो छे एटले के 15मो प्रश्न। तो मैं एवं नक्की कर्युं छे कि 15मो प्रश्न आपणे अत्यारे जोवाना नथी, जो आगळ जता समय बचे त्यारे आपणे जोई लेशुं, परंतु अत्यारे एने जोवानी जरूर नथी। तो विद्यार्थीओ 15मो दाखलो करीशुं अने 16मो एक नानो अमस्त एमसीक्यू छे एने पण नेक्स्ट विडियो में समझी लेशुं, एनी एनी साथे आ चेप्टर समाप्त थशे। एटले विद्यार्थीओ बस हवे मात्र एक विडियो तमारी पासे आवानो बाकी छे। हवे विद्यार्थीओ आज स्वाध्याय पटे ने पछी वैकल्पिक स्वाध्याय आवे। वैकल्पिक स्वाध्याय एटले के आपणुं जे गुजरात बोर्ड छे तेने एवुं नक्की कर्युं छे कि वैकल्पिक स्वाध्यायमांथी के स्टारवाळा दाखलामांथी कोईपण दाखलो परीक्षामां पूछवानो नथी, एवुं ए लोकोए नक्की कर्युं छे। तो एवा दाखलाने पण तमारे अत्यारे समय न आपवो जोईए। तमे एवा दाखला करी शको छो, एवुं नहीं कि नहीं करवाना स्टारवाळा एटले नहीं करवाना, एवुं नहीं विद्यार्थीओ, परंतु एवा दाखला पछी करवाना। पहेला जेटलुं तमारे जरूरी छे ते पहेला करो, समय बचे तमे जे टाइम टेबल बनाव्युं छे ते टाइम टेबल में समय बचे तो ते वैकल्पिक दाखलाने करो। वैकल्पिक एटले के एक विकल्प छे, तमारे तमारुं जे मगज शक्ति छे तेने डेवलप करवानो एक विकल्प छे। हेवी दाखला थोड़ा अने दाखला करवा जोईए कि जेनाथी तमारी आ जे शक्ति छे मगज शक्ति ते वधे, एटला माटे बराबर विद्यार्थीओ। के पछी तमे बदाम खावाथी तमारी माइंड पावर वधारवा मांगो छो एवुं ना होय विद्यार्थीओ, प्रेक्टिस करवाथी ज माइंड पावर वधे। अने अवनवा दाखला ज्यांथी मळे त्यांथी प्रेक्टिस करता रहेजो। विद्यार्थीओ आ जे दाखलो छे तेना जेवो कोई दाखलो डिस्क्रिप्शन बॉक्समां तमने जोवा नहीं मळशे, कोई लिंक नहीं। एनुं कारण एवुं केम के आ साबितीनो दाखलो छे, तो आ जे दाखलो छे तेने ज पाछो एक के बे वार करजो, प्रेक्टिस करजो, जाते करवानी प्रेक्टिस करजो। ओके तो तमने आ दाखलो आवडी ज जशे। हवे विद्यार्थी आपणे नेक्स्ट विडियो में आगळ जे बे दाखला आपणा करवाना बाकी छे तेने जोई लईशुं। त्यां सुधी जय हिंद।